हेलो फ्रेंड्स, न्यू मूवी में फिर से एक बार और स्वागत करता मैं हूं आपका होस्ट दीपक। चलिए हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सीधी बात, नो बकवास बॉस में एक और खतरनाक लाजवाब शानदार चुम्बेश्वरी आउटस्टैंडिंग फैंटाबुलस मूवी देख लिए, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में तो सुनने में बहुत ही अटपटा अटपटा चीज आ रहा था, जैसे ये बायकॉट के ट्रेंड में चल जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा, इसका स्टोरी लाइन अच्छा नहीं है, इसमें लव ट्रायंगल दिखाया हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मगर परंतु मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं, जब आप ये मूवी देखिएगा तो ये मूवी को आप एक वर्ड में कह सकते हैं कि कंप्लीट इंटरटेनमेंट 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 है, क्योंकि इसमें आपको पावर पैक मिलता है। 2 घंटे 40 मिनट कैसे चुटकियों में कटेगा आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। जैसे ही ये मूवी शुरू होगा, शुरू से अंत तक आप कंप्लीट इंगेज हो पाएगा। स्क्रीन प्ले इतना तगड़ा है, VFX इतना तगड़ा है, स्टोरी लाइन इतना तगड़ा है, सुपर नेचुरल पावर इतना दिखाया गया है जो कि आप लोग हॉलीवुड की मूवी में खोजते हैं, सेम ये अपना इंडियन बॉलीवुड मूवी एक ब्रह्मास्त्र मूवी में जो माइथोलॉजिकल अपना आर्किटेक्ट मूवी लेके आ गया है भाई, इसमें हर चीज परफेक्ट है। इसके जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, जैसे अपने रणबीर कपूर हुए, आलिया भट्ट हुए, अमिताभ बच्चन हुए, नागार्जुन सर हुए, मौनी रॉय, सब कोई अपना 100% दिया है और परफेक्ट है। और इस मूवी का सबसे बड़ा खासियत है जिसमें कि 80% इसमें भरा हुआ है VFX, और वो भी VFX नकली का नहीं, सस्ता नहीं, एक पावर पैक, एक कंप्लीट जो पर रेट फ्रेम को आपको दर्शा रहा था, बहुत ही सुंदर आपको एकदम क्रिस्ट क्लियर दिख रहा था, और थिएटर में आपका स्क्रीन से नजर नहीं हटेगा। और ये मूवी आप जो 3D में देखिएगा तो और भी मजा करिएगा, क्योंकि जो VFX प्लस इसका BGM जो आ रहा था तो वो इस मूवी को और इंटरटेन आपको करने पे दिखाने पे मजबूर हो जा रहा था। और मैं क्या बता देता हूँ कि इसका जो स्टोरी लाइन है डेफिनेटली एक हार्ट के बॉलीवुड वाले ने इस बार बनाया हुआ है, सुपर नेचुरल दिखाया गया है, पावर दिखाया गया है जो कि हॉलीवुड के मूवी में दिखाता है, मार्वल के मूवी में दिखाता है, सिंचन मूवी में जैसे पावर दिखाया था, वो अपने बॉलीवुड वाले एक यूनिवर्स का ब्रह्मास्त्र मूवी लेके आए हैं, उसको दिखाया गया है जो कि बहुत ही परफेक्ट, स्टोरी लाइन बहुत अच्छा था। अब जैसे ही ये मूवी देखने बैठिएगा तो आपका 1 घंटे 20 मिनट इंटरवल का कैसे निकलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कंप्लीट आप स्क्रीन से इसमें कनेक्ट हो पाइएगा। उसी फर्स्ट हाफ में आपको दिखा देगा रणबीर का और आलिया भट्ट का थोड़ा सा प्यार, कैसे वो लोग का उमड़ता है, अपने जो इसमें कैमियो कर रहे हैं कौन, मिस्टर शाहरुख खान, वो कैसे एक साइंटिस्ट रहते हैं और उनका क्या योगदान रहता है, और ये ब्रह्मास्त्र मूवी का नाम क्या चीज पे लेके पड़ा, क्या प्लॉट है ब्रह्मास्त्र का, जब आप देखिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। और इसका पार्ट 2 भी डेफिनेटली आने वाला है, और इसमें जो VFX इतना अच्छा है, 80% इस मूवी में VFX ही है। और मैं एक चीज बता देता हूँ कि इस मूवी में VFX तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें गाना ज्यादा होने का जरूरत नहीं था। अपने बॉलीवुड मूवी में यही तो एक गलत बात है कि अपना कुछ भी हो तो भाई गाना दे दो। जहाँ पे गाना शूट कर रहा था, जैसे पहला गाना आता है जब रणबीर कपूर अपना स्टार्टिंग में ही दुर्गा पूजा का जो वो रहता है, मतलब कि पंडाल में होता है तो खुशी से झूमते, वो गाना परफेक्ट मैच कर रहा था। बट उसके अलावा 2 गाना और जो रहता वो परफेक्ट मैच नहीं हो रहा था स्क्रीन के साथ, और तभी अचानक से गाना शुरू हो जाता है। और इसमें अपनी मौनी रॉय का जो एक निगेटिव रोल की है नागिन में, जैसे वो करती थी, इसी तरह इसमें भी एक खतरनाक जो विलेन का रोल की है भाई, बहुत ही खतरनाक। और अपने नागार्जुन सर और मिस्टर अमिताभ बच्चन जी भी बहुत अच्छे से अपना योगदान दिए हैं, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो इस मूवी को मैं यही बताना चाहता हूँ कि इसका VFX सुपर डुपर हिट, BGM सुपर डुपर हिट, सभी आर्टिस्ट का कलाकारी सुपर डुपर हिट, अपना मौनी राय कपूर हुए, अमिताभ बच्चन हुए, नागार्जुन सर हुए, अपनी आलिया भट्ट हुए और अपने रणबीर कपूर हुए, सभी ने अपना योगदान बहुत अच्छा दिया है। और आपका स्टोरी लाइन सुपर डुपर मस्त है, आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा माइथोलॉजिकल, थोड़ा सा वो सुपर डुपर हिट जाएगा।
आपको स्क्रीन अटैच करके रखेगा वो बहुत अच्छा है, मतलब सब कुछ परफेक्ट बना के इस मूवी को हिट करा देता है। और मुझको नहीं पता कि किसको ये मूवी क्यों नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, मुझको अच्छा लगा और मैं इसको 5 में से देता हूँ 4 स्कोर। और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी को डेफिनेटली थिएटर में जाकर 3D में देखिए, OTT पे आने का वेट मत करिए और कंप्लीट अपने फैमिली वाले के साथ देख सकते हैं। अब मैं इस रिव्यू को यहीं खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उसको दिल से थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम लोग कहाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टाटा, बाय बाय, एंजॉय।